हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बची हुई यानी कि बासी रोटी का नाश्ता। बहुत ही चटपटे स्वाद में बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है, वो भी कम ही चीजों से और घर के ही चीजों से ये तैयार हो जाती है। तो चलिए झटपट से हम इसे तैयार करते हैं। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले हम आलुओं को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 बड़े साइज के आलुओं को अच्छे से उबाल करके मैश कर लिया है। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैश कर लेना है। अब हम इसमें कुछ वेजेस डालेंगे। अगर आपको प्याज पसंद हो तो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। तो एक छोटे साइज का प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कीजिएगा। ठीक है, और शिमला मिर्च भी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च को भी बारीक चॉप करके यहाँ पर डाल दिया है। बिल्कुल बारीक कटिंग कीजिएगा। और 1 से 2 हरी मिर्च आप डाल दीजिए, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स यूज किया है। और इसमें चटपटा अब बनाने के लिए थोड़े से हम मसाले भी ऐड कर लेंगे। तो 1/2 चम्मच यहाँ पर काला नमक डाल दीजिए, 1 चम्मच यहाँ पर रेगुलर नमक डालिए, 1/2 चम्मच यहाँ पर डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा डाल देंगे हम जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और अब डाल देते हैं थोड़ा सा हम यहाँ पर 1 चम्मच आप भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन स्वाद आएगा। और लाल मिर्च पाउडर मैंने अपने हिसाब से डाला है, आपको पसंद हो तो डालिएगा, नहीं तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो फ्रेश धनिया की पत्ती डाल दीजिए अगर हो तो, क्योंकि अभी तो थोड़ी सी सीजन कम है तो कम मिलेगी, लेकिन अगर हो तो डालिएगा, नहीं तो आप बिना धनिया पत्ती के भी बना सकते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप यहाँ पर हाथ का भी यूज कर सकते हैं, हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्पैचुला का यूज कर रही हूँ। अब इसे हमें और भी टेस्टी बनाना है तो यहाँ पर देखिए मैंने बेसन लिया है। तो बेसन से जो ये नाश्ता बनेगा ना, बहुत ही बेहतरीन बनेगा। तो यहाँ पर बेसन को पहले अच्छे से छान लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर यूज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर बेसन मैंने यहाँ पर 4 चम्मच लिया है, तो आप 4 से 5 चम्मच यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप बेसी क्वांटिटी में बना रहे हो तो बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 चम्मच यूज कर लिया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़े से हम यहाँ पर पानी डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच डालिएगा, ज्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो आपका जो है मिश्रण जो है बिल्कुल गीला हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इतना ही हमें बस करना है कि आलू और बेसन जो है अच्छे से ये मिक्स हो जानी चाहिए, बस इतना सा गीला हमें रखना है। बस यहाँ पर देख सकते हैं इतना ही हमें रखना है। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी स्टफिंग तैयार, बिल्कुल रेडी हो गई है। और रोटी तो ऑलरेडी हमारी पकी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेफ्ट ओवर रोटी से बनाने जा रही हूँ ये नाश्ता। तो यहाँ पर बासी रोटी का मैंने यूज किया है। तो चलिए, मैंने 1 पीस यहाँ पर रोटी ले ली है। अब यहाँ पर डाल देते हैं ग्रीन चटनी और टोमेटो केचप। इसका कॉम्बिनेशन जो है बहुत बढ़िया आता है। अगर आपके पास एक ही चटनी हो या ग्रीन हो या टोमेटो केचप हो तो आप एक ही लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दोनों का फ्लेवर यहाँ पर इनहेंस किया है, बहुत टैंगी फ्लेवर आएगा इससे। तो चलिए, अच्छे से मैंने इसे फैला लिया है। अब ये जो मिश्रण बना हुआ है हमारा, इसे हम थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे, अच्छे से लगाना है ताकि ये अच्छे से, इसे फैलाना भी है अच्छे से, मोटे लेयर में आप इसे लगा लीजिएगा। तो चलिए, इस तरीके से मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, सभी तरफ से मैंने फैला लिया है। देख सकते हैं कितना थिक मैंने लगाया है। और आप इसे क्या करना है, अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो हो गई। अब हमें यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं करना है, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पर गैस पे रख दीजिए, 1 तवा चढ़ा लीजिएगा। आप कोई सा भी तवा यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नॉनस्टिक हो या लोहे का तवा हो, कोई भी हो, आप ये रख दीजिए। और इसमें डाल दीजिए 1 चम्मच ऑयल। अब इस रोटी को है ना, इस साइड से हम रखेंगे, आलुओं के साइड से नहीं, रोटी जिस साइड है उस साइड हम इसमें रखेंगे। और मीडियम फ्लेम पर इसे हमें क्रिस्पी होने तक इसे हम अच्छे से पकने देंगे, जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती है। तो कुछ सेकंड के बाद ये देखिएगा क्रिस्पी हो गई है। अब हमें टर्न करना है, तो उस समय क्या करना है, तो थोड़ा सा ऑयल आप डाल दीजिए तवे पर। अब इसे हम पलट देते हैं इस तरीके से। तो ये क्या होगा कि आलू जो है, बेसन जो है इसमें लगी हुई ना, बहुत अच्छे से ये पकेगी। ऑयल अच्छे से डाल दीजिएगा। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज किया है, मस्टर्ड ऑयल का यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो सरसों का महक आ जाएगा। तो अब देखिए ये पक चुकी है बिल्कुल, 5 मिनट से अच्छे से पका लीजिएगा लो फ्लेम पर। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है ना। तो चलिए, इसे हम इस तरीके से मैंने निकाला है, जिस तरीके से ना, बस उसी तरीके से आप निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए, इसे अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ। तो कटिंग आपको जैसा पसंद हो, आप यहाँ पर छोटे छोटे साइज में करना चाहें तो छोटे साइज में कर लीजिए। अब इसे जो है
अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं, सॉस ऊपर से डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं आप, चीज वगैरह भी डाल सकते हैं आप, सोए भुजिया भी इसके ऊपर से गार्निशिंग कर सकते हैं, प्याज डाल दीजिए, कुछ भी आप चटपटा